अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा रफीक। तो आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर टीचिंग चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एच लुकअप वैल्यू एंड यानी कि जो फंक्शन है, और फिर दूसरा है वी लुकअप फंक्शन, इनमें फ़र्क क्या है। तो गाइस, इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनमें सिर्फ रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का फ़र्क है। तो आप लोग यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आते हैं ये देखें, वी लुकअप वैल्यू में हमने देना क्या होता है, लुकअप वैल्यू और फिर टेबल अरे और फिर कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है। और इनमें जन के जो एच लुकअप है उसमें हमने लुकअप वैल्यू वही चीज़ है, टेबल एरे भी वही चीज़ है, सिर्फ जो लास्ट में देना होता है रो इंडेक्स। यानी कि यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम, यानी कि ये होती है रो और ऊपर से नीचे की जानब होते हैं कालम। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये है रो और फिर कालम, इनमें फंक्शन हमने ऐड करना है। तो गाइस, हम किस तरह करेंगे यहाँ पर आप लोग देखें। तो इनको हम कर देते हैं अभी ख़त्म। तो ये देखें, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को वाजे नज़र आए। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर गाइस हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने फंक्शन ऐड करना है मार्क्स की जगह पर। हमने ऑब्टेन, यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है वो है नंबरिंग का, यानी कि ठीक है क्लास है, उसमें यानी कि हमने नंबर है ऑब्टेन मार्क्स दिए हुए हैं, उन पर हमने वी लुक फंक्शन को ऐड करना है इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम करते हैं वी लुक अप। इसको हम जैसे ऐड करेंगे फिर हमने क्या करना है, यानी कि जो उसने फिर पूछा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या चीज़ है, लुकअप वैल्यू यानी कि जिस तरह नेम हमने जिसको ढूंढना है, सर्च करना है, तो वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ पर हम यहाँ पर कर देते हैं इसको, हम जिसमें जो भी नाम लिखेंगे यानी कि उसामा, जमशेद, अनस, ETC, वो यानी कि उसकी वैल्यू हमें दे देगा। फिर हमने करना है कोमा ऐड। कोमा ऐड करने के बाद यहाँ पर उन्होंने आगे क्या मांगा है, टेबल अरे। टेबल अरे क्या है, यहाँ पर हम इसको मुकम्मल ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, कोमा। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर फिर थर्ड नंबर पर कॉल इंडेक्स, हमें क्या ऑब्टेन मार्क्स किन में कॉलम पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ठीक है, हमने यहाँ पर 7, और फिर उसके बाद फिर कोमा, फिर 0 को ऐड करना है, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ब्रैकेट को बंद और फिर इंटर। यहाँ पर देखें एक यानी कि ग्लिच, यानी कि इसको कह सकते हैं कोई भी चीज़, यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ पर देखें इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू को ऐड नहीं किया। इसको ऐड कैसे करना है, यहाँ पर हम नेम ऐड करते हैं जैसे, ठीक है, यहाँ पर इसको हम करते हैं JAMSHAD, और फिर इसको नीचे क्लिक करते हैं, ये देखें 204, यहाँ पर उसके देख सकते हैं जमशेद सेकंड नंबर पर है 204। यहाँ पर हम फिर इसको कुछ चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं कोई और, अली, ALI, अली, और यहाँ पर देखें 176, बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसको एक आप लोगों को साथ साथ बताते हूँ, इसमें हम यानी कि बार बार नेम लगाने के बजाय हम यहाँ पर लिस्ट ऐड कर देते हैं, वो कैसे करनी है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमने इस क्लिक करना है और फिर जाना है डेटा में। डेटा टैब में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट और फिर सोर्स कितना है, यानी कि उसामा जमशेद, यानी कि मुकम्मल जो नेम है उनको हमने ऐड कर देना है। यहाँ पर आप लोग जो भी ऐड करेंगे, यहाँ पर हम सुभान, अरसलान, ये देखें जो भी हम यानी जिसका भी चेक करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। और फिर एच लुकअप वैल्यू ये क्या है, ये हमने यहाँ पर दिया था इनके कॉलम के बारे में, वहाँ हम देंगे रो के बारे में। यहाँ पर हम ऐड करते हैं इज इक्वल टू HLOOK, एच लुकअप वैल्यू, यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू कौन सी है, या हमने एक रोंग यानी कि जगह पर ऐड कर दिया, हमने मार्क्स की जगह पर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर देंगे इज इक्वल टू एच, यहाँ पर देखें लुकअप, ठीक है, एच लुकअप यहाँ पर आते हैं, और फिर हमने यहाँ पर ऐड करना है लुकअप वैल्यू, यानी कि जहाँ पर हम नेम ऐड कर सकते हैं इसको ऐड करेंगे। फिर कोमा, कोमा के बाद हमने क्या है, टेबल अरे, यहाँ पर हमने सारा मुकम्मल टेबल देना, नेम, क्लास, हर चीज़, ठीक है, क्योंकि हमने ये रो के हिसाब से बताना है। यहाँ पर इसको मुकम्मल हम करते हैं सेलेक्ट, और फिर हम करते हैं कोमा। कोमा के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आते हैं रो इंडेक्स बताना है हमने कौन सा करना है, हम 7 कर लेते हैं, 7 के बाद हम कोमा लगाते हैं और फिर 0, और फिर इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखें ये फिर वैसी वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम ऐड करेंगे कॉलम, कॉलम कोई भी चीज़ हमें चाहिए, उर्दू, इंग्लिश, ETC, जो भी हमें चाहिए, मैथ, MATH, मैथ, यहाँ पर आते हैं, ये देखें 52 बिल्कुल आगे मैथ के, ठीक है, 7 के जो मैथ के हैं वो है 52, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम इसको कलर कर देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं,
ये बिल्कुल 52 आ चुके हैं। यानी कि एच लुकअप वैल्यू जो होती है वो रो के लिए होती है, ये थोड़ी सी यानी कि सीक्वेंस है इसमें, और वी लुकअप वैल्यू यानी कि कॉलम वगैरह के लिए, ये बिल्कुल आसान और एग्जैक्ट होती है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, अगर मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल कंप्यूटर टीचिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।